सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। महापुरुषों के वचन तीन प्रकार के होते हैं। यदि कोई उन वचनों को समझ ले तो अपने आप ही नाम जप होता रहता है, करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप हट ही नहीं सकते फिर। और ये सभी चाहते हैं कि नाम जप उनका चले, लेकिन संतों की वाणियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतों की वाणी अटपटी और झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तीन प्रकार के वचनों में पहला वचन होता है रोचक, और दूसरा होता है भयानक, और तीसरा होता है यथार्थ। रोचक वचन अज्ञानी मनुष्य को लोभ देने और रुचि पैदा करने के लिए कहे जाते हैं, जिससे यह भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। ऐसे बच्चे को मिठाई देकर स्कूल भेजा जाता है, कोई भी काम करवाया जाता है कि तू ये अमुक काम कर दे, मैं तुझे बदले में टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा या पैसे दूंगा। यथार्थ बात तो यह है कि उसको बस स्कूल भेजना है जिससे वह पढ़ाई कर सके, उसे सदा मिठाई देकर स्कूल नहीं भेजा जाएगा। ऐसा केवल थोड़े समय के लिए होता है। रुचि उत्पन्न होने पर वह बच्चा कई बार रोटी छोड़कर भी स्कूल चला जाता है, उसे किसी भी प्रलोभन की फिर आवश्यकता नहीं रहती। एक समय था जबकि साधारण लोभ देने पर भी बच्चे से स्कूल छूटने का डर था। अब वह स्वयं यथार्थी बन गया है और उसे विद्या पढ़ने का आनंद आ चुका है, इसलिए अब वह किसी और व्यसन में पढ़कर स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहेगा। इसी तरह से आप जब सांसारिक इच्छा के लिए नाम जप करते हो, महापुरुष आपके गुरु आपको कहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आप भगवान का नाम जपो, तो वो आपको नाम में लगा रहे हैं। संसार की चीज़ों का प्रलोभन दे करके वो आपको नाम में लगा रहे हैं। बस आप एक बार इस रास्ते पर चल पड़ो, नाम में लग जाओगे तो बाद में आपको इन प्रलोभनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ आनंद आएगा और आप समझ जाओगे कि ये इच्छाएं हम किस लिए मांग रहे हैं। इच्छाएं हम मांग रहे हैं तो हीरों के बदले कांच के टुकड़े खरीद रहे हैं, और ये कहाँ की समझदारी है कि हम परमात्मा के अनमोल नाम को इन सांसारिक वस्तुओं के लिए गंवा रहे हैं। तो बस कुछ दिन गुरु के इशारों को समझें। यदि आपकी कोई मनोकामना भी है, बस मनोकामना पूर्ति के लिए ही आप नाम से जुड़ जाइए, फिर तो आप चाहकर भी छोड़ नहीं पाओगे, अपने आप नाम जप से लेगा। दूसरे जो महापुरुषों के वचन होते हैं वो होते हैं भयानक वचन। भयानक वचन का प्रयोग मूर्खों के लिए किया जाता है, अज्ञानियों के लिए किया जाता है। जैसे माता बच्चों को झूठे वचन कहकर डराती है कि बेटा बाहर मत जाना, बिल्ला खा जाएगा। अब वास्तविकता को देखा जाए तो बिल्ले का अस्तित्व कहीं भी नहीं है, केवल बच्चे को रोकने के लिए माता ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है ताकि बच्चा कहीं बाहर न जाए। माता का भाव यह होता है कि बच्चा आज्ञा में रहे। तो इसी तरह से यदि गुरुजी भी आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो आपको उस बात से मतलब कि डरना नहीं है, बस उनकी आज्ञा माननी है कि हम जो है बाहर भटकेंगे, यानी वो आपके मन को रोकते हैं संसार में भटकने से। तो आपको उनके इशारों को समझना है, और एक बार आप ऐसा करने लग गए, गुरु जी से डर होना बहुत ज़रूरी है। संसार में कोई भी टीचर होता है, उससे बच्चा जब तक डरता नहीं है तब तक वो पढ़ता नहीं है। तो गुरु जी के वचनों से डर लगना चाहिए, उनसे डर होना चाहिए। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे, यानी कि नाम जप नहीं करोगे, तो आपको मार पड़ेगी, और मार क्या है, ये मन संसार में जाएगा, और संसार में जाएगा तो ये आपको दुख ही दुख देगा। यथार्थ वचन माता पिता बालक को उस समय कहते हैं जब वह बुद्धिमान होकर अपने भले बुरे की पहचान कर सके, तब वह तनिक संकेत को ही पाकर समझ जाता है कि यह मेरे लिए आज्ञा हो रही है। फिर उसे ना बहलाने की ज़रूरत है, ना फुसलाने की, ना डराने की, वह अपने आप ही सब कुछ करने लग जाता है। तो इसी प्रकार जब आप नाम जप करने लगोगे, चाहे वो मनोकामना के लिए है, चाहे वो डर से है,
लेकिन बाद में जब आपको सच्चाई पता लगती है तो आप चाहकर भी उस नाम को छोड़ नहीं पाओगे। तो आप जो है अपने गुरु के वचनों को समझिए और निरंतरता से उनके वचनों पर चलिएगा तो निश्चित तौर से आपका नाम जप अपने आप ही होता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास भी शेयर करें। और ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और ऑनलाइन भी गुरु दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। और आकर लेना चाहते हो तो 25 अगस्त का दिल्ली में एक दिवसीय निःशुल्क सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर है, गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। तो वहाँ आना चाहते हो तो भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और साधना को बहुत जल्दी आप आगे बढ़ाना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, तो जो हमारे द्वारा अभिमंत्रित आसन किट है, साधना किट है, उसको खरीदने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम।